जो भी है भाई ये देखा अनु अनु को रोई यस जमिया है और नंद को कोण में चावरी अनु परेशान नहीं करती रो देखो मौसम देखो क्या मस्त लगन भाई हल्का जो बादल लग रहा है ना सी बहुत बढ़िया लग रहा है हां बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे ये बोली दीदी अमन साबुन तो ना सकाली वास्ते इन किने घर रहे आप रुका ना हर काम का आने कौन चौमिना आने रहा है बोल एक आदमी का बोलियो एक मम्मी भी धर को सही भाई ये इकरा बाबा ना 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 इकरा मंथा गांव ना और मंथा गांव का निस अरे देख भाई पूरा सेरा है सेरा तो भाई जरे ये कमाए तरे आज देख मां फिर क्यों बनोनी क्या बोला लोग साधु वाल खाई नहीं है बासी पाई नहीं तनी सुई नहीं गया तो हेलो दगड़ियों का ना आप सब लोग उम्मीद कर दो कि सब बढ़िया होला तो स्वागत है आप सब लोगों को देवभूमि उत्तराखंड का टिहरी का एक खूबसूरत गांव चाह गांव बटी तो दिन की करीबन 12 बज गई और आज मैं उठी 9:40 पर तो ब्याह रात में 1 बजे सीधे तो जो पहले बीट मेरे ब्लॉग देखता तो मैंने बताया था कि मैं सिर्फ रविवार को दिन मिल दू की अच्छे से ढंग से ब्लॉग बने सकू और शनिवार को मैं लेट में सीधू त्या लेकर रविवार को लेट में नींद खुल दी तो एक कमेंट था कि तुम तिलक बढ़िया लगता तिलक लगाया करा तो मैंने बताया था जो पहले बीट ब्लॉग देखता वाला तो पता होली कि हमारा गांव में कोई एक्सपायर था हुए तो ब्याल 13वीं थे तो 13वीं के बाद दिया जलाने स्टार्ट हो और तिलक लगाने स्टार्ट हो तो हम परसी से जाया देवलसारी मंदिर तो देवलसारी मंदिर में मैंने टीका भी नहीं लगाए थे तो यहाँ ही लेक नहीं लगाए थे क्योंकि हमारे गाँव में कोई एक्सपायर था हुए तो आज बेटी दिया जलाने स्टार्ट है देखा अब भी जलाए भाई ये दिन दोपहर जलाए ना अभी दिया तो क्या जब नींद नहीं खुलता अभी माँ भी कभी जाए तो माँ भी अभी आई तो अभी मान भी ब्रेकफास्ट करी तो ये तो दिनों को खाने भाई आ तो मैं जाने बुझे ढीले तो पड़े क्योंकि प्याज तो मैंने देखी होली की जो चाउमिन था सब भिगोने के दाल था मैंने और दिन में चाउमिन बनाने मन रिद्धि लोग भी इच्छी मांगी थे देखा सुबेर सुबेर आएगी यार सुबेर सुबेर भाई क्या थे तुम पर बोला सुबेर सुबेर की चाउमिन बना अब मैंने पूछी सही रीति से पूछ मन की नाश्ता कर ली तब उनकी ना मैं निकल मैं नाश्ता दीदी नाश्ता कर ली चावल मैंने ये जान बुझी था भाई वो नहीं की चाउमिन बन ली बोले तो चाउमिन अभी नहीं बन चाउमिन बाद में बन तो पहले अभी नाश्ता करता हूँ नाश्ता 11:30 होगी ब्लॉग भी अपलोड कर ली मैंने तो रात को मैं लेट भी सही और फिर भी ब्लॉग मैंने पूरा एडिट नहीं करी तो सुबह उठी का सो एडिट करी पहले 10:30 तक ब्लॉग एडिट ही के बाद मैं नहीं तक बाद मैं दिया जलाई और अब ब्रेकफास्ट अभी कर लू मैं तो भाई आज नाश्ता बनी देखा ब्याह रात जो सब्जी था मटर और आलू और मैंने फिर आज मलाई निकाली भाई दूध दड़ी देना आज ही मैं टाइम दे दू मलाई खाने को क्योंकि क्यों उनकी मैंने बताया था हमारे के माड़ी जाने की दूध पी गए और कपड़ों पर ना सुई लगा के ड्यूटी नहीं जाना तो यहाँ लेकर मैं दूध भी नहीं पीता है और ब्याह रात की जो चौमिन मैंने भिगोड़ा के डालता है ये देखा मैं रात को भाई ये छान लगी याद नहीं रहे अरे ये यही हुई है अभी तो मैं ये बोलो छान लेगा जब मैं बहुत छान ली फटाफट जा कख बल तो ये बेड में लिखा था भाई घाम पर खाना और रीति की दादी मतलब बड़ी भी तक ही माई तो बथेरे लोग तक हम बैठे तो तक हम चलो ये देखा भाई ये बात छान ली ये छान ली छड़े ली भाई चौमिन बड़ी छान ली छान लू बोलते छान लू छान लू छान लू माँ आने लगी बुआ उतार चल तो भाई अब बेड वाले नाश्ता कहाँ पर अरे हम बड़े बैठे हैं पुप्पू बैठे हैं पुप्पू जो छे वो निखिल के पुप्पू ना अरे दादी हम गप्पी लग ली बट नाश्ता कर दी ले कर कर 12 बजे नाश्ता बाद में आज चाउमिन कल लाई चाउमिन बन लाई या तो सुबेर सुबेर आई थी चाउमिन खावल मैं वो सुबेर सुबेर अब मैं दिखोड़ के पूछेंगे मैं आप रोड तक खाई मैंने बोली नाश्ता कर ली मैं तुमने तब दिखा क्या बोली ना ना आप ही नहीं कर नाश्ता चाउमिन दी बल चाउमिन तरे तरे ये बोली दीदी अमन सब तो नाश्ता कर ली बस तो इनके नहीं कर रहे डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड तो भाई नाश्ता भी कर लिया हम आए छत में और अभी मौसम देखो क्या मस्त लगन भाई हल्का जो बादल लगता ना सी बहुत बढ़िया लगता यख मैं तीन बैठा और तीन को चश्मा लगे होगा और कुल तो गप की लगनी एक गप लगनी मेरी आकर नहीं दिखे ना कहीं लगनी मेरी आकर नहीं दिखे इन्नी गपियों की लगनी तीन बेड़ों काना बैठा तो भाई मंदिर में आए तो तबरे यख देखा ये दो यख हम खड़ा हुए अरे आ से और कहा आज राहुल का घर जी मैं तो कॉल पर कॉल करूँ मंदिर में आज दिखे नहीं बल लगी मैंने 12 बज गई तब लगने तो मैं आज मैं जल्दी नहीं आई ना मैं थोड़ा तो अब 12 बज पाने भाई हम क्या दोपहर हो गया देखा यहाँ भी और बढ़िया लगना मार गाँव देखा
आई हम यहाँ तो बैठे हैं, अरे यहाँ बैठे हम देखना पार मंथा गाँव, तो ये मंथा गाँव है और मंथा गाँव का निस अरे देखो भाई पूरा शेर है शेरा और काफी मस्त लग भाई क्योंकि ये गाँव जो ना शेरों को बीच में ना और एक ही सिर्फ यू ही गाँव है जो शेरा करता, मतलब हमारा गाँव में शेरा नहीं करता, पहले छने आते पर अब सब बांझ पड़ गई शेर भेड़ नहीं लछा तो छा है हमारा गाँव शेरा छा अन्नप्राशन हुई ना कहली क्या खाई खीर खाई तो अन्नप्राशन अन्नप्राशन बोल भाई कॉफी और पेन पकड़ो दा क्या पकड़ी भाई कॉफी पकड़ी बैंगर गाड़ी चाबी तो रखी गाड़ी चाबी उठाई बोली हमारे चावल अन्नप्राशन को सूजी वाल बड़े सूजी खान चलो भाई ये तो खान खान बैठे भाई प्रणाम खूब प्रणाम खान खान बैठ प्रणाम नहीं कर दो बल ये भाई घर स्वीटी फूफू भाई ये लगी खाने का खाना और मैं सिर्फ सूजी खाना क्योंकि मैंने अभी नाश्ता करी ये देखा था भाई खान आप खाना यार खान खाने कौन कौन जाना भाई शरम शरम भी नहीं मात से बड़ी कर खाना बेशरम कर यूवन कीरे मिट्टू नहीं वाला मैं बच्चे ने लिखने आया घर बैठे यार ये खाने खाना खाने ध्यान दबार बिठाए थे लगा खान कह लिया अब लगनी पिटा ध्यान दुपर एक सूट पकड़ा यार भेजा सर सूट नहीं रहे सारे मैं पर लगे मैं पर लगे लगा दो भाई धन्यवाद ये पर लगे थे आप यार तू पहला साड़ी की सूट है ये तो साड़ी वाल चढ़ी भाई अब मैं लड्डू भाई एक देखा अयुब मैं लड्डू नहीं खाऊंगा क्या लौट दोगे बर्फी आई है ना ये तो कल खाई नहीं ना ये दी दिया तुम भाई मैंने थोड़ी गाल यार अबे जब एक मम्मी का बोलू नहीं थी एक मम्मी की आई एक आदमी का बोलियो एक मम्मी भी तेरे सही भाई चुनली तो भाई जरे घर में आए तेरे राहुल और बोली कि मैच देखने जाना तो मैच जो होना नंदगांव में एक जगह नंदगांव ने तो तक मैच होना टूर्नामेंट चलना अच्छे मैं फटाफट तैयार होगी और अनु आशी सब जाना और मैंने बताया था अनु पापा की जो तबियत है खराब थे वही तो अनु पापा की तबियत अब सही हुई और अनु भी पहुंचने वाला मतलब हम ही दड़े होने तो पहले मैच देखने जा रहा सब भी तक बाद अनु भी घर है बाद में तो फटाफट चलना मैं तैयार होगी अनु मैं फोन करूँ फटाफट रहा तो फटाफट चलना भाई पहुंच गया हम नंदगांव में और यक देखा लीड लाई आज तक सुबीर भी से लीड लगाए तय पर आवाज ही नहीं होनी अब प्रबंध बोलिया की फिर लीड लाई पर 20 रुपया लीड लाई सबसे पता महंगी लीड सबसे पता 20 रुपया होता भीड़ होती गुरो वी की तबियत ठीक बढ़ेगी है मस्त मैंने बोलता भाई अनु पापे तबियत जो खराब हुई तो अनु तबा जब सही हो जाए तबियत अनु पापे तबियत सही होगी अब हाँ तो ये की मम्मी भी जाएगी तक अब तो बाद में यू पहले आएगी घर की रखवाली करना तो भाई यहाँ हम पहुंच गए और जो मैच होना सो नंदगांव का जो कूड़ा ना तो पिछाड़े होना मतलब डोकरों में तो ये दुआ देखो पहले खेच राहुल राज के खेच बैठे हैं और चमियाल और नंदगांव कूड़ मैच है उरी तो नंदगांव बैटिंग कर लेना कल तो नंदगांव बनाई 65 रन और अब खेवा चमे बाबा खेवा 10 ओवर बनाई ना 10 ओवर बनाई
यो नहीं देख भाई मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं मैं थोड़ी बहुत जता जी को मेरे समझ में होना चाहनी कुछ तो यही मैं बताऊंगा भाई अब छा 18 बॉल में 8 रन चमिया वैसे है ना 6 रन अबे 6 रन अबे जीत गई थे राहुल और आशी अभी आने लगे तो अन्नू पर तो बीमारी रहने लगी चल चल वाली तो हमन बोली भाई रुक जा थोड़ी चाय दवाई बोली तो लौटते हॉस्पिटल में जाए मैं दवाई कख रिद्धि मामा वे देखा रिद्धि नहीं जान अया जाने तू ही किराए एक बाबा तू एक बाबा मैं क्या कर गरम फान रहे ठंडू ही बाद नहीं जा मैंने मां का भूल ही बताया मैं छाना पर छाण दी तैसे पर मां छाने नहीं मां छाने की ना नहीं सू अगेर तो मैंने भूली मैं छाण बल दो कर अपने इन बोल की गप्पे लगाने बैठू मैं ये गप्पे भाई लगाने एक देखा यार भाभी मना करनी भाभी बैठ जाने मैं हमारे को लाइट ही नहीं होनी मैंने बताया था कि भाभी को एक इन्वर्टर ना तय पर चार्ज लगे दे फोन तो दीदी फोन आप चार्ज लगे भाई पहले नहीं था उन्होंने और बट इन दिलाई में याद की इन्वर्टर वाली इन्वर्टर पर लगा बोलते चार्ज तब लगाया मैंने इन्वर्टर पर नहीं तो मैं याद ही नहीं था कि इन्वर्टर भी आ गए तो आप फोन तक ही लगाना भाई नहीं तो मैं घूम जाऊँ फिर घर में रोल फोन तो चार्ज नहीं रहना तो मैं ब्याह रहा था फोन की जो क्यू एन ए वाली वीडियो ना तो ती शूट कर तो मैंने ब्याह रात शूट करते सा और मस्त बनी भी ना तो दीदी फोन आ जाओ चार्ज पर तई पर बनाया मैंने बताया था कि मेरे फोन पर स्टोरेज कम रही तो तई की वजह से मैंने अपना फोन पर नहीं बनाया दीदी का फोन पर बनाया तो दगड़े रात की बजे 8 तो अब आए मैं घूमी घामी गया मस्त मेरे फोन चार्ज पर तो लगाए चार्ज भी गई फोन मस्त से और दीदी फोन भी तो लगाए चार्ज पर तो दीदी फोन थोड़ी हुई क्योंकि मेरे बैजी चार्जर पर तभी लगाए बैजी के चार्जर पर लग दी अरे अनु का फोन का चार्जर पर और अनु है घर अनु मैं अबू नू कि हमारे खबर तो आसुई के लिए मैंने बताया था तो तक पापा हो तो आई नहीं अभी तक पापा तक मम्मी सब बैठ जाए तो मैंने बोलते तक पापा की तबियत खराब हुई तो आप शायद तबियत ठीक हुई तो अनु घर भेज लिए तो अनु घर में आयो अनु बोलू कि हमारे खोबल तो आसी यार राहुल तो बोल रहे कि हम जान लगे तो देखो तो अभी क्यों तू तो मैंने बोली अगर मेरे मूड बन गई तो ऐसा कुछ मैं तो क्यों कि ब्लॉग एडिट करने में दिक्कत होती तो अभी क्या सीन बन दो हाँ अनु ही लेनी आज मावड़ा रोटी जाने जाना का तो जान तो चंद है पर ना जान चला ना कोई बात नहीं तो सुबह के बात हो पर वही वो एक में घुस भी रहा था सुबह इधर आपने टाइम पर उठना बोल लो आज का तो बस ही बात तो होता अब थोड़ी दिन लंबा भी होगी अरे तब ठीक नहीं उठना सुबह तो मैं सोच रहा कि जय ही जाओ थोड़ी देर में तो भाई जरा ये कमाए तरे आज देखा माँ फिर क्यों बनो नहीं
चौमिन जो बेचा दस नहीं देखा भाई ये लाउड बने पूरा मान प्रीत पर लियो अभी की काम नहीं बह रहे आप चौमिन मानने नहीं देगी तो अब लाउड बनी तेबु चौमिन का तैयार है बाबिन बोल चौमिन नहीं बनी रिदिन बोल चौमिन नहीं बने रिदिन शाम को चौमिन का बना चिकन बने भाई मैं राहुल लेने आया अभी स्पेशल मैं चल तो राहुल जानो आस जाए मैं जानो अरे अनु तक हाँ अनु एक बिचार अबरी नहीं जान कबरी मटन हो मैं जिताई चिकन फटाफट का तब चल दो यार मैं खा मटन मैं भाई मैं दूध पी के दूध के बाद मटन दूध के बाद मटन नहीं खाना तो लोग बोलते कि अगर मटन दड़ी दूध पी लो तुमने तो सफेद सफेद दाग होता ना सी पड़ता ना दूध दड़ नहीं चाहिए अटे के बाद दूध नहीं चाहिए ये देखो भाई एक लिमिट हाँ रोटी भी तरली खानी पड़ गए दबड़े यक माए थे अरे यक देखा आसी और अनु खेल तो मैगी कन बनाए बढ़िया एक नंबर कैन बनाए तुम बना की तैन बनाए हैं और रोटी रोटी मैं बनाई रोटी बनाई राहुल यहाँ तो मस्त खाए भाई रोटी मैगी तो दगड़े ये तो ब्लॉग के एंडिंग भी नहीं करने ना भाई ने किनके काल मचाई हो जन्म लेगा ब्याह होने का कहे बोलो हो मैं कहूँ ब्लॉग के एंडिंग तो जैन अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करी सो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया और जय को करी सो इन सपोर्ट बनाए रखे मिलता आप सब लोग अगला आने वाला ब्लॉग में तब तक है जय देव भूमि उत्तराखंड।